करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। जोधपुर की सीजीएम ग्रामीण कोर्ट में फिल्म अभिनेता सलमान खान के विरुद्ध 340 की दो अर्जियां लंबित हैं, जिसमें से एक अर्जी में सलमान पर अदालत को गुमराह कर हाजिरी माफी लेने का आरोप है, तो वहीं उन्होंने अपने कान में दर्द होने का झूठा बहाना बनाकर हाजिरी माफी ली, जबकि उस दौरान वह फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा सरकार द्वारा पूर्व में पेश की गई दूसरी अर्जी में सलमान पर आरोप है कि सलमान खान ने अपने हथियारों के लाइसेंस खो जाने का फर्जी शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया, जबकि हथियारों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए दिए हुए थे। इन दोनों अर्जियों में सलमान के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। सुनिए क्या कहना है सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत का। राज्य सरकार की ओर से दो एप्लीकेशन अलग अलग समय में पेश हुई, जिसमें ये कहा गया कि उसने अपने हथियार के गुम होने के संबंध में गलत सूचना दी, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एप्लीकेशन हमने भी ललित बोरा के खिलाफ लगा रखी है कि ड्यूरिंग वो ट्रायल इस गवाह ने जानबूझकर झूठे बयान दिए, इसलिए इसके खिलाफ 193 की कार्रवाई चले। तीनों प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होनी थी। हमने एक प्रार्थना पत्र साक्षी का पेश किया, क्योंकि दो अपीलें सलमान खान के प्रकरण में डिसाइड केसेज के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन है, जब तक उनके अपीलों का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक इन एप्लीकेशन को पेंडिंग रखा जाएगा। आइंदा कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई डिसीजन बताइए, नहीं तो तीनों एप्लीकेशन पर साथ ही बहस होगी। नेक्स्ट डेट 9 अगस्त की थी। बता दें कि अब 9 तारीख सलमान के अधिवक्ता के द्वारा पेश की गई अर्जी पर सुनवाई के लिए मुकर्रर कर दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को ही होगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।